हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभाक्षी और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की हमारी वीडियो है करंट अफेयर सीरीज की वीडियो नंबर 2। और वीडियो में स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिससे आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलती रहें और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी फर्स्ट न्यूज है करकुमा कैक्चिनजेंस के बारे में, जो कि एक न्यू फ्लावर है, प्लांट स्पीशी है, जो कि मिला है मणिपुर में, मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैक्चिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में मिला है, जो कि सेकमाई रिवर के पास में है। ये फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज है जो कि मणिपुर में मिली है। ये कैसी प्लांट है? एंजियोस्पर्मिक फैमिली से बिलोंग करती है, जिंजर एंड कार्डमम जैसी है, टर्मरिक जिंजर एंड कार्डमम जैसी है। इसकी हाइट 8 फीट रहती है और ये टर्मिनल इनफ्लोरेसेंस कैटेगरी में आता है। देन ये इसको लोकली यांगुन कहा जाता है और ये स्पीशीज फ्रॉम थाईलैंड से बिलोंग करती है, बट इसका टेस्ट काफी डिस्टिंग्विश रहता है बिकॉज ये लेमन येलो राइजोम्स के इसका प्रेजेंस होता है इसमें, तो ये बिटर टेस्ट करता है। ये उससे थोड़ा थाईलैंड वाली स्पीशीज से थोड़ा अलग रहता है। IUCN ने इसको डाटा डिफिशियंट लिस्ट में डाला हुआ है। इसका यूज है ट्रेडिशनल मेडिसिन, स्पाइसेस, डाइस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी इसका यूज होता है। नाउ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट्स में देखते हैं क्या है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल ने अपडेट किया है, क्या किया है? तो बेसिकली द ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल रिसेंटली आज एंटरटेनमेंट चैनल्स टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन व्हाइल पोर्ट्रेइंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन टेलीविजन प्रोग्राम्स। इसमें कॉशियस रहने को कहा है। SCs एंड ST से रिलेटेड अगर आप कुछ भी अपने प्रोग्राम में दिखा रहे हैं तो ट्राई टू बी कॉशियस। अब ये जो रेगुलेटरी बॉडी है, ये कब फाउंड हुई थी? जून 2011 में। इसका सेल्फ रेगुलेटरी गाइडलाइंस है फॉर नॉन न्यूज चैनल्स इंक्लूडिंग जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स, किड्स चैनल्स एंड स्पेशल इंटरेस्ट चैनल्स। गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करते हैं इंडस्ट्री के लिए, नेशनल इंटरेस्ट, रेशियल, सोशल, मतलब जितने भी ये सारी इंटरेस्ट हैं, जैसे नेशनल इंटरेस्ट, रेशियल, रिलीजियस हार्मनी, इल ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सोशल वैल्यू, सेक्शुअल न्यूडिटी, वॉयलेंस, क्राइम, गैम्बलिंग, ड्रग्स, स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन, अल्कोहल, डिफेमेशन, इन सब में ये अपनी गाइडलाइंस देते रहते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो व्यूअर्स हैं वो भी अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं इफ दे फील एनीथिंग ऑफेंडेड। अब नेक्स्ट न्यूज इज RISC-V टेक्नोलॉजी। RISC-V टेक्नोलॉजी में क्या है? चिप डिजाइनर क्वालकॉम सेड दैट इट इज पार्टनरिंग विद अल्फाबेट्स गूगल टू मेक वेयरेबल डिवाइसेस लाइक स्मार्ट वॉच यूजिंग चिप्स बेस्ड ऑन RISC-V टेक्नोलॉजी। क्वालकॉम कंपनी है, चिप डिजाइनर है, उन्होंने पार्टनरिंग की है अल्फाबेट के साथ, जो कि गूगल की कंपनी है, आज की स्मार्ट वॉचेस बनाए RISC-V टेक्नोलॉजी यूज करके। RISC-V टेक्नोलॉजी एक ओपन सोर्स है ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स का, और ये फिफ्थ जनरेशन प्रोसेसर्स में आता है। इसका पहली बार जो प्रोजेक्ट था वो बिगिन हुआ था UC Berkeley में और मैनेज्ड हो रहा है नेशनली इंटरनेशनली। पहले ये एकेडमिक यूज के लिए होता था, अब इंटरनेशनल यूज में भी इसको लिया जा रहा है। और ये एक ओपन स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है। RISC-V इज डिफाइंड बाय मेंबर्स ऑफ कंपनी ऑफ RISC-V इंटरनेशनल ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटेंट इज दैट थ्रू कोलैबोरेशन मेंबर कंपनीज कैन कंट्रीब्यूट टू न्यू एवेन्यूज ऑफ प्रोसेसर इनोवेशन बाय प्रमोटिंग न्यू डिग्रीज ऑफ डिजाइंस। नेक्स्ट ये बहुत ही सैडनिंग न्यूज है। राफा क्रॉसिंग साउथ एंड ऑफ द गाजा स्ट्रिप हिट बाय मिलिट्री स्ट्राइक। इसमें हम इतना ड्वेल नहीं करेंगे, हमारा जो इंडिया का स्टैंड है वो वही रहेगा जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है। अब एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स क्या है? ये किस लिए है? टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी, रिड्यूस इंसिडेंस रिस्पॉन्स टाइम। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल इम्प्लीमेंट अपग्रेडेड एंड फॉरवर्ड लुकिंग एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस 2023।
इसका एम क्या है? बेसिकली टू एनहांस रोड सेफ्टी, रिड्यूसिंग इंसिडेंट रिस्पॉन्स टाइम एंड डिजिटल इन्फॉर्मेशन ऑन नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेस वे, कि डिजिटली सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए, एक्सीडेंट्स कम हो और सेफ्टी के बारे में है. डेवलप एक इंटीग्रेटेड चैनल इनको डेवलप करना है, कॉरिडोर्स डेवलप करने हैं और ऑप्टिक फाइबर केबल्स का यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है. पहले इसमें VIDS कैमराज यूज होते थे, अब वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड एनफोर्समेंट सिस्टम VIDES कैमराज यूज होंगे डिजिटल इन्फोर्समेंट के लिए. इंस्टॉलेशन एवरी 10 किलोमीटर पे होगा नेशनल हाईवेज का, और एक इनका सेंट्रलाइज सिस्टम होगा इन एवरी 100 किलोमीटर. अब इसमें स्पीड डिडक्शन भी है और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन भी है. इसमें बेसिकली एक राज मार्ग यात्रा मोबाइल ऐप होगा जिससे हम जैसे कोई अलर्ट रूट, पेट्रोल व्हीकल्स या एम्बुलेंसेस या ई चलान, उससे सारी न्यूज हम राजमार्ग यात्रा से दे सकते हैं कि जैसे कोई भी ट्रैफिक है या व्हीकल है, एम्बुलेंस जा रही है, तो उससे पहले ही लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा. लिम्फैटिक फिलारियासिस जो एक डिसीज है, वो बांग्लादेश बिकम सेकेंड कंट्री टू एलिमिनेट लिम्फैटिक फिलारियासिस. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकम सेकेंड कंट्री इन 2023 आफ्टर बांग्लादेश टू एलिमिनेट लिम्फैटिक फिलारियासिस. ये इसको हम कॉमनली एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं और ये एक पैरासिटिक डिजीज है जो कि ह्यूमंस में आती है थ्रू मॉस्किटोज. अब इसका अबनॉर्मल इसकी दिखता ये कैसा है, अबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स कॉजिंग पेन, सीवियर डिसेबिलिटीज एंड सोशल स्टिग्मा भी होता है. इसमें ये नेमाटोड्स होते हैं जो राउंड बॉम्स होते हैं, राउंड बॉम फैमिली के होते हैं नेमाटोड्स, उनके जरिए ये हमारे बॉडी में आता है. सिम्टम्स, इसके कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं होते हैं और इसका ट्रीटमेंट जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया वो कीमोथेरेपी के थ्रू ही होता है. सिम्टम्स नहीं होते हैं बट हमारे इम्यून सिस्टम बहुत वीक कर देता है जिससे हम और वल्नरेबल हो जाते हैं बाकी सारे डिसीजेस के लिए. नेक्स्ट इज हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर. WWF की रिपोर्ट ने कहा है, द WWF रिपोर्ट टाइटल द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर वॉन्ट्स टू अ ग्रोइंग ग्लोबल क्राइसिस दैट पोजेसेस अ थ्रेट टू $58 trillion in economic value, food security and sustainability. अब रिपोर्ट क्या है, वर्ल्ड फूड डे के दिन रिलीज हुआ था जो कि 16 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, प्रेजेंट्स द फर्स्ट एवर एनुअल एस्टिमेट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वाटर एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. तो इसमें क्या है, इन्होंने इकोनॉमिक वैल्यू, वाटर की इकोनॉमिक वैल्यू या फ्रेश वाटर इकोनॉमिक इकोसिस्टम के बारे में बताया है. मेजर फाइंडिंग्स क्या है, बहुत सारे इसमें डेटा गिवन है जो हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है. हमें जस्ट इतना जानना है कि हमें वाटर को कंजर्व करना है, सस्टेनेबल यूज करना है और बेनिफिट्स होते हैं वाटर इकोसिस्टम के, प्योरिफाइंग वाटर, इनहांसिंग सॉइल हेल्थ, स्टोरिंग कार्बन, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड एस्टिमेटेड. ये सारी चीजें होती हैं जो वाटर हमारे हमें एज अ ह्यूमन प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी चीजों से, एक्सेसिव फर्टिलाइजर से वाटर पोल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंज भी, अगर वाटर कम होगा तो क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज्यादा होगा. तो हमें वाटर की इम्पोर्टेंस समझनी है और उसका ब्लाइंडलेस यूज नहीं करना है, सस्टेनेबल यूज करना है. अब जो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है WWF. तो व्हाट इज WWF? WWF है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इज अ स्विस बेस्ड हेडक्वार्टर का इंग्लैंड में इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंड हुई थी 1961 में. ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करती है प्रिजर्विंग एनवायरमेंट एंड एम करती है टू हॉल्ट इट्स डिग्रेडेशन. WWF runs campaign like Earth Hour. Earth Hour campaign WWF का है, पूछा जा सकता है एग्जाम में. WWF is a part of foundation platform F20. Now the next is medical termination of pregnancy act में कुछ updations हुए हैं और वो क्या है, Supreme Court of India has upheld the right of an unborn child by rejecting a woman's plea to terminate her 27-week-old pregnancy. अब ये क्यों हुआ, क्योंकि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट था
उसके तहत ये देखा गया कि इसमें जो फ्री जिन्होंने फाइल की थी उनमें ना कोई उन मदर में कोई थ्रेट था ना फीटल एबनॉर्मलिटी थी, तो उन्होंने मना किया। हाउएवर कोर्ट ने बोला है कि पेरेंट्स डिसाइड करें कि वेदर दे वांट टू गिव अप द बेबी फॉर अडॉप्शन, अडॉप्शन के लिए बेबी दे दें, एंड स्टेट को डायरेक्ट किया है कि जितना भी उसमें एक्सपेंस आता है वो सारा स्टेट अलाउ करे, दिस इज अप टू पेरेंट्स। नेक्स्ट, टर्मिनेशन एक्ट में कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अबॉर्शन स्टेजेस होती हैं, अगर अप टू 20 वीक्स टर्मिनेशन कराना है तो एक डॉक्टर की एडवाइस से भी हो जाएगा। अगर 20 से 24 वीक्स तक का टर्मिनेशन है, उसके बीच में टर्मिनेशन होना है, तो टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी स्पेसिफिक केसेस में, जैसे कि स्टैट्यूटरी रेप है, सेक्सुअल असॉल्ट है, वुमेन डिसेबिलिटीज है, या मैरिटेरियल स्टेटस, चेंज इन मैरिटेरियल स्टेटस में कुछ चेंज है। बट अगर आफ्टर 24 वीक्स का मेडिकल अबॉर्ट है तो एक अप्रूव फैसिलिटीज होती है मिलती, जो सेटअप की जाएगी टर्मिनेशन, एक मेडिकल बोर्ड होगा, उनके उस बोर्ड में पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, हार्ट न्यूरोलॉजिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो देख के बताते हैं कि आफ्टर 24 वीक्स इज इट सेफ टू अबॉर्ट और नॉट। सो ऑल स्टेट्स में, ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आर मैंडेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मेडिकल बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ गायनाकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन एक्सेट्रा। ये हर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में कंपल्सरी है। नाउ द न्यूज़ेस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिफर्स अ चैलेंज टू द वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम विच अलाउज एनोनिमस डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ 5 जजेस। 5 जजेस बेंच के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैलिडिटी है। ये केस पर्टेन करता है पैसेज ऑफ एज अ स्कीम ऑफ मनी बिल, ये एज अ स्कीम ऑफ मनी बिल की तरह से ट्रीट किया जाता है। इसको लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में और इम्प्लीमेंट किया गया है 2018 में, और ये एज अ फाइनेंस बिल आया था। इसके अंदर जो मेन इलेक्टोरल बॉन्ड, वॉट इट इज एग्जैक्टली, they serve as a means for individual and entities to make donation to register political party while maintaining donor anonymity। मतलब कि कोई भी हम डोनेशन कर सकते हैं एक रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी को विदाउट डिस्क्लोजिंग माई नेम। अब इसके फीचर्स क्या है कि कुछ ऑथराइज्ड बैंक्स हैं, उन्हीं के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसी के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। डोमिनेशन कैसा होना चाहिए, 1,000, 10,000 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़ का ही होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए, मतलब उसके डोमिनेशन में, उसके मल्टीपल्स में आप कितना भी कर सकते हो, वो आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। इंडियन सिटीजन होने चाहिए या इंटाइटल जो इस जो कंपनीज हैं जो इंडियन एस्टेब्लिश्ड हैं वही होनी चाहिए। जॉइंटली भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। 15 डेज का कैलेंडर है, SBI ही ऑथराइज्ड इशू करती है बैंक, SBI बैंक ही ऑथराइजर है। डेजिग्नेटेड ब्रांचेस में होता है। पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर जो कि हो सेक्शन 29A में अंडर प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, जिन्होंने एटलीस्ट 1% ऑफ वोट लिए हो, 1% ऑफ वोट हो जिनके लास्ट जनरल इलेक्शन में फॉर द हाउस ऑफ पीपल या लेजिस्लेटिव असेंबली में, वही एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के। डिजिटली भी हो सकते हैं ये, और थ्रू चेक्स भी हो सकते हैं, और इनकैशमेंट भी ऑथराइज बैंक में ही होगा इनका। इलेक्शन कमीशन को, पार्टीज को अपना बैंक का अकाउंट डिटेल्स देना पड़ेगा, और जो डोनेशन है वो बैंकिंग चैनल का क्यों है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होती है और पॉलिटिकल पार्टी ऑब्लिगेटेड है कि एक्सप्लेन करें कि उनके पास जो फंड आया वो उन्होंने कहाँ पे यूज किया। नाउ इंडिया स्किल 2023 एंड 2024, इसमें क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर हैज लॉन्च्ड इंडिया स्किल 2023 एंड 2024 एंड कमेंडेड द वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन 2022 विनर्स। अब इसमें एम क्या है, इस बेसिकली इसका एम यह है टू फॉस्टर एंड एनहांस द स्किल ऑफ इंडिविजुअल इन वेरियस डोमेन एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल स्किल कॉम्पिटिशन। नेशनल जो भी विनर्स हैं उनको, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी स्किल को इतना डेवलप करें कि वो नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जा सकें। और जो सॉरी जो इसका मेन एम है वो है कि आपको डिग्री के साथ साथ, जो आपकी डिग्री अर्न है उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, जिससे आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकें। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो टू प्रिपेयर इंडिविजुअल टू लीड इफेक्टिवली इन 2025।
फर्स्ट सेंचुरी. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज भाटुकम्मा फेस्टिवल, फ्लावर्स ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ फ्लावर. ये तेलंगाना में सेलिब्रेट होता है. इसमें काफी सारे लोकल फ्लावर्स जैसे इधर नॉर्थ इंडिया में वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, इसे काइंड ऑफ ये भी दुर्गा पूजा बेसिकली इसमें नहीं होती है बट इसमें फ्लावर्स से पूजा होती है जो कि लोकल फ्लावर्स होते हैं जैसे तांगेडू, बंटी, नंदी, वर्धनम. ये सारे नाम है लोकल फ्लावर्स के. इनके थ्रू ही ये 2 days बिफोर दशहरा 9 days का ये पूरा फेस्टिवल होता है जिसमें डाइटी गौरी या मदर दुर्गा इन सबको इन सबके रिचुअल्स के थ्रू पूजा होती है और सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल. इसका मेन पर्पस क्या है? दिस हेल्प्स रीइंफोर्स द बॉन्ड्स एंड हेल्प इट रिटेन मोर वाटर. द फेस्टिवल रीइंफोर्स द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन द अर्थ द वाटर विद द रिचुअल सेइंग दैट प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्लावर्स के थ्रू हम करते हैं. अब 69th नेशनल फिल्म अवार्ड था जो कि विज्ञान भवन दिल्ली में कंडक्ट किया गया. इसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर्स भी थे. दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 के रेसिपिटेंट में से वहीदा रहमान जी ही थी और इसके हाईलाइट 69th नेशनल फिल्म के हाईलाइट्स जो है बेस्ट फिल्म फीचर का अवार्ड मिला है रॉकेट्री को. डायरेक्टर है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है निखिल महाजन को फॉर गोदावरी. बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन फॉर पुष्पा. बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट इज RRR. बेस्ट एक्ट्रेस को मिला है आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ एंड कृति सुनन फॉर मिमी. सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी फॉर मिमी. सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी फॉर कश्मीर फाइल्स. बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम. द फीमेल प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल इरावन के लिए मिला है एंड द मेल प्लेबैक सिंगर इज काल भैरवा फॉर RRR. तो आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो यहाँ तक ही थी. और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी. सो प्लीज़ शो सम सपोर्ट. टिल देन बी सेफ, हेल्दी एंड टेक केयर. बाय.